हे गाइस वेलकम बैक। तो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ मारुति स्विफ्ट ZX AMT मॉडल। इस गाड़ी को लिए मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने होने वाले हैं और ये मैंने अभी तक चला दी है लोकल में ही 1700 किलोमीटर के करीब। फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत इसी गाड़ी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं स्विफ्ट ही थी 9 साल मैंने उसे ड्राइव करा एंड वो VDA मॉडल है, डीजल था। ये ZX AMT है, इसमें ZX+ आता है कि सुपर, ये मतलब टॉप से नीचे हो गया। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस की बात करूँगा, ज़्यादा नहीं। स्पेशली जो मैं बात करूँगा इसका, जो AMT लिया है मॉडल है इसका, जिसमें ड्राइव मोड आता है, N आता है, R आता है, इसमें P नहीं होता, तीन इसमें आते हैं R N D। और तो इसमें जो मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, इसके पहले तो ड्राइव मोड की बात करूँगा, चलो अभी बारे में बताएंगे। जो डिफरेंसेस मैंने जो फेस करे हैं मारुति में, वो मतलब 1-1 लाख रुपए के ऊपर मॉडल में डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसे अगर मैं VXI लेता तो मुझे बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, एंड मतलब उसमें भी AMT आता है तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है, जो उसमें मेरे को चीज़ें नहीं मिलती। वो एक तो ये नहीं मिलता कि मेरे को ये बटन फोल्डिंग मिरर्स नहीं मिलते, ठीक है, देन मेरे को ये क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता उसमें, एंड ये स्टीरियो ये मतलब एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं आता, ये मुझे आफ्टर मार्केट कराना पड़ता, एंड जो उसके टायर साइज़ हैं। अब इसके टायर साइज़ की बात करो तो देखो, इसमें फुल साइज़ टायर आते हैं, 15 इंची के टायर आते हैं, अलॉयज आते हैं, और इसमें ब्रिजस्टोन के टायर आते हैं। यहाँ पे क्या है कि उसमें ब्रिजस्टोन के इसमें टायर्स आते हैं, उसमें अपोलो के टायर्स मिलते हैं, 14 इंची टायर मिलते हैं, और उसमें व्हील कैप्स मिलती हैं, एंड ये सब चीज़ आ जाती है, उसे भी नहीं मिलती है जो आपको दिख रही होगी। तो ये सारी चीज़ों का फ़र्क काफ़ी आ जाता है। 2-3 चीज़ें मैंने इसमें आफ्टर मार्केट भी कराई है, उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बना के डालूंगा, वो भी आप देखना, जो मुझे करानी बहुत नेसेसरी लगी। और इस गाड़ी के मैंने अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपये मैंने पे करे हैं, और 9 लाख रुपये क्यों पे करे हैं, मतलब 8,85,000 रुपये मैंने पे करे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी ली है, जैसे मैंने वारंटी ली है 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, क्योंकि मैं AMT मारुति का मैं मतलब पहली बार AMT मॉडल परचेज करा मैंने, और मारुति वैसे फिलहाल AMT देती है स्विफ्ट में, तो थोड़ा मुझे इसमें चलाने पे, जब मैंने लेने गया था टेस्ट ड्राइव लेने गया था, तो मुझे इसमें हल्का सा जर्क फील होता है जब ये पहले दूसरे गियर पे उठती है गाड़ी, तो मुझे एक बार को डर था कि यार कल को गियर बॉक्स में दिक्कत आ गई, तो एक बार को एक्सटेंडेड वारंटी ले लेनी चाहिए। 3 साल की कंपनी देती है, बट मैंने 2 साल की अलग से ले ली है, तो मुझे गाड़ी चलाने में स्मूथ तो काफ़ी लगी है, ऐसा मुझे कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं है। बट हाँ वही है, अभी मैं डीजल ड्राइव करता हूँ, पेट्रोल पे आया तो थोड़ा पावर की कमी तो ऑब्वियसली बात है फील होगी ही होगी, बट एज सच अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब जैसे अब गियर नॉब की बात, जैसे इसकी बात करूँ, ये ठीक है, बड़ा स्मूथ है। अब जैसे चल रही है गाड़ी, देखो ये दूसरे इस पे लिखा आता है सामने दूसरे गियर पे, अब तीसरे में आते हैं झटका, देखो हल्का सा जर्क फील होता है गाड़ी में। अब यही चीज़ मैं आपको हाईवे का भी दिखाऊंगा, हाईवे में ऐसा नहीं फील होता, ये शायद मतलब अगर लोकल में आप चला रहे हो, आपकी 40-50 की स्पीड है, तब आपको ये चीज़ फील होगी, जो AMT मॉडल में और कंपनीज में नहीं होती है। जैसे और कंपनीज का गियर बॉक्स आता है AMT में तो वो काफ़ी स्मूथ होता है, ऑब्वियसली बात है मारुति है, ये थोड़ा इसमें तो फील होगा ही होगा। बाकी इसमें कंपनी आपको ZX-i में आपको सीट कवर्स नहीं देती है, ये फैब्रिक होता है इनका। बाकी ये है कि अंदर से गाड़ी फुल ब्लैक इंटीरियर्स है, काफ़ी अच्छी लगता है। भाई स्विफ्ट तो ऐसी चीज़ है मारुति का के लिए खरास होना है, इस मतलब मारुति स्विफ्ट तो मारुति के नाम से ही बिकती है। और मैं जैसे कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे हूँ, अब मेरी गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली 80 करीब है, और देखो गाड़ी चलने में बहुत स्टेबल है, बड़ी मतलब ऐसा ना कि अगर नीचे का मॉडल जैसे VXI में बात करूँ, जैसे मैं कर रहा था VXI मॉडल में थोड़ा फील होता है 80 के ऊपर जाते ही, क्योंकि उसके टायर थोड़े छोटे होते हैं, थोड़ा मतलब साइज़ भी पतला होता है। अब जैसे चलने में स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टायर साइज़ भी अच्छा है, तो उस वजह से ग्रिपिंग रोड पे काफ़ी बढ़िया है। बट इसकी गियर बात करूँ तो इसमें AMT गियर बॉक्स है ना, तो उस वो इतना स्मूथ नहीं है, हल्का सा गियर शिफ्ट में बहुत माइनर सा जर्क फील होता है अगर स्पीड में हो, तो बहुत माइनर सा, बहुत मतलब माइनर सा लगता है। अगर लोकल में चला रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई झटका आया है। इससे ऊपर की जैसे ZX+ है, वो मैंने अब तक ड्राइव करी नहीं है, उसका AMT पता नहीं उसमें कैसा गियर बॉक्स। अभी देखो जैसे गाड़ी दूसरी गियर पर, मैंने पंजा थोड़ा दबा रहा हूँ, एकदम से डाउन शिफ्ट आया एकदम से, ये देखो एकदम से फ्लक्चुएट होता है RPM, तो ये थोड़ी सी कमी लगती है स्टार्टिंग में। अगर फुल थ्रॉटल देके गाड़ी उठाओ तो एकदम से झटका फील होता है आपको दूसरे से तीसरे गियर में जाने पे। तो ये गाड़ी में बस इस AMT मॉडल में एक ये कमी लगी है मेरे को, ऐसा 1-2 कमियां और है, ऑब्वियसली बात है भाई जब गाड़ी लोगे तो आप कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और कुछ नेगेटिव तो साथ में आते ही आते हैं, वो हर गाड़ी का सीन है। बाकी इसको मैंने अभी तक हील्स पे चेक नहीं कराया है, पहाड़ों पे मैं इसे लेकर गया नहीं हूँ। 1-2 लोगों से मैंने सुना है कि मारुति का AMT गेयरबॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता है पहाड़ों पे, तो एक बार मेरा प्लान होगा तो कभी
तो मैं अब क्या इस गाड़ी को ले जाने की सोच रहा हूँ वहाँ पे, देखते हैं वो भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, प्रॉपर वीडियो बना के उसकी भी डालूंगा। इसमें ZXI प्लस लेता तो उसमें प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, बट इसमें मैंने LEDs फिट करा रखी है। देखो इसका थ्रो मैं आपको रात को दिखाऊंगा, एक वीडियो इसकी सेपरेट बना के डालूंगा। और इसमें दो एयरबैग्स मिल जाते हैं यहाँ पे वहाँ पे, एंड पहले से मुझे गाड़ी थोड़ी स्पेशियस लगी है, वो मतलब पुरानी वाली स्विफ्ट है। एंड हाँ, इसमें पुश बटन स्टार्ट भी मिल जाता है आपको, एक बार पीछे का दिखा देता हूँ स्पेस जिसके मैं बात कर रहा हूँ। पीछे भी काफ़ी स्पेशियस है पुरानी वाली स्विफ्ट से, वो शायद इसलिए हो सकता है मे बी कि सीट का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, वरना ये वाला साइज़ थोड़ा पीछे कर दी से आई है, सीट का साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है। डिग्गी का साइज़ मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। ये मैंने ये वाली लेडीज़ फिट कराई है, इसका मैं थोड़ा आपको रात को दिखाऊंगा, क्योंकि थ्रो में मारुति का बिल्कुल बेकार है कंपेरेटिवली और कंपनी से। इसमें अगर एंड्रॉइड सिस्टम की बात करूँ तो ये मतलब इसमें तो इनबिल्ट मिलना ही मिला है, VXM में नहीं मिलता। इसमें आगे दो कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, साउंड ठीक है मतलब ज़्यादा खास नहीं है बट अच्छी आती है, काफ़ी पहले से प्रीमियम फील होता है मुझे तो पुरानी स्विफ्ट आने के मुकाबले उसमें बैठ के। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को थम्सअप देना, नए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मिला मत जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।